द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गोदी मीडिया पर तो आप ताबड़तोड़ एक्शन देख ही रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो दिन रात नफरत फैलाते हैं और प्रोपोगंडे के तहत काम करते हैं, जिनमें से एक चैनल स्ट्रिंग, आपने इसका नाम सुना होगा। स्ट्रिंग चैनल पर यूं तो एनालिसिस और फैक्ट चेक की बातें कही जाती हैं, लेकिन उस चैनल पर जो कंटेंट डाला जाता है वो कंटेंट सरासर नफरत फैलाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। चैनल स्ट्रिंग को राइट विंग प्रोपोगंडिस्ट के तौर पर भी देखा जाता है। अब खबर आ रही है कि चैनल स्ट्रिंग को यूट्यूब ने रिमूव्ड कर दिया है बिना किसी स्ट्राइक के। इसे लेकर यूट्यूब ने जो स्ट्रिंग के ओनर है, जो स्ट्रिंग का ओनर है विनोद, उसको लेकर एक मेल भी किया है, जो मेल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। और इसे लेकर नफरत चिंटू जो हैं वो बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं और रीस्टोर का अभियान भी चला रहे हैं। पूरा मांजरा आपको समझाते हैं कि पूरा मांजरा यहाँ पर क्या है। दरअसल यूट्यूब पर विनोद नाम के एक शख्स स्ट्रिंग चैनल चलाते हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि वो फैक्ट चेक और एनालिसिस जैसी चीजों का जो है वो कंटेंट वहां पर डालते हैं। लेकिन यूट्यूब ने जो उनको मेल भेजा है उनका चैनल डाउन करते हुए, उसमें यूट्यूब ने साफ साफ लिखा है कि आपके चैनल पर बार बार यूट्यूब गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है और बार बार उसमें जो है कॉन्टेंट जो है उसमें वायलेशन दिख रहा है, जिसके तहत हमने आपका यूट्यूब चैनल जो है वो रिमूव कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर संघी जो है वो खूब नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर संघी कह रहे हैं कि हिंदुओं की आवाज उठाने वाला एक ही तो चैनल है और उसको भी यूट्यूब ने डाउन कर दिया है, किसके कहने पर ऐसा किया, और यूट्यूब शेम, आई स्टैंड विद स्ट्रिंग, इस तरह के जो है वो हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मण ने ट्वीट किया है। लक्ष्मण यहाँ पर कहते हैं कि शेम ऑन यू यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब को शर्म आनी चाहिए लक्ष्मण के मुताबिक, क्योंकि यूट्यूब ने यहाँ पर एक नफरती चिंटू के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया है, जो अपने कंटेंट के जरिए बार बार नफरत फैलाता है। यहाँ पर जो उन्होंने शेयर किया है, लिखा है रिमूव द स्ट्रिंग चैनल, यानी कि यूट्यूब ने स्ट्रिंग चैनल को रिमूव कर दिया है। यूट्यूब का जो मेल है, चैनल रिमूव करते यूट्यूब ने जो मेल किया है ओनर को, यहाँ पर उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर यह भी लिखा है कि कृपया यूट्यूब और भारत के आईटी मंत्री को टैग करें, ये युद्ध भारत के नागरिकों के मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। स्टैंड विद स्ट्रिंग विनोद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग छटपटा रहे हैं और किस तरह से ये लोग जो है रीस्टोर का अभियान चला रहे हैं, जमकर ट्वीट भी कर रहे हैं नफरती जो है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी समझने की जरूरत है कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस चैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन वो फिर भी आई स्टैंड विद स्ट्रिंग, आई स्टैंड विद विनोद, आई स्टैंड विद सनातनी धर्म, इस तरह के हैशटैग और इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि चैनल पर क्या कॉन्टेंट डालते हैं, ये आदमी क्या करता है, क्या काम करता है, किस तरह की इसकी भाषा शैली है, क्या इसका बॉडी लैंग्वेज है, इसके विचार क्या है। लेकिन भेड़चाल दोस्तों ट्विटर पर चलती है और जब सनातन धर्म की बात आती है, हिंदू धर्म की बात आती है, तो इसी तरीके से भेड़चाल चलती है और भेड़चाल में लोग जो वो जमकर कमेंट करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा कमेंट देखिए, यहाँ पर दूसरा कमेंट है यहाँ पर सत्या तिवारी का। सत्या तिवारी यहाँ पर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि जो हिंदुओं की आवाज ऊपर उठाने वाला एकमात्र चैनल था उसको यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया और अब हम यूट्यूब को दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पर अपना ही वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल को निलंबित क्यों किया जा रहा है, कृपया अब अपनी आवाज उठाएं, और तमाम तरीके के हैशटैग जो है वो वहां पर आपको दिख जाएंगे। इसी के साथ अब आप अपनी स्क्रीन पर यूट्यूब ने जो उसका चैनल रिमूव करते हुए मेल किया है उस मेल को देख रहे हैं। यहाँ पर YouTube ने लिखा है कि हमने आपकी सामग्री की समीक्षा की है और हमारे सामुदायिक दिशा निर्देशों का गंभीर रूप से बार बार उल्लंघन पाया गया है, इस वजह से हमने आपका चैनल YouTube से हटा दिया गया है। इसके पीछे YouTube ने क्या वजह दी है, क्या कारण दिया है, आपके सामने है। आगे YouTube ने लिखा है कि हम सब जानते हैं कि ये खबर आपके लिए बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन ये सुनिश्चित करना हमारा काम है कि YouTube सभी के लिए एक सुनिश्चित स्थान है। अगर हमें लगता है कि कोई चैनल हमारी नीतियों का गंभीर उल्लंघन करता है, हमारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है,
तो हम उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं ताकि दूसरे जो हमारे यूजर्स हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इसे लेकर अपील कर सकते हैं, जो भी यूट्यूब का प्रोसीजर है उसे लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। लेकिन इसे लेकर किस तरह से रोना मचाया जा रहा है, नफरती संघी जो हैं वो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, आई स्टैंड विद स्ट्रिंग, आई स्टैंड विद विनोद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। इसी के साथ स्ट्रिंग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी हमने यही ट्वीट देखा। यहाँ पर भी इन्होंने जो चैनल डाउन कर दिया गया है, इनका हटा दिया गया है, उसी का मेल शेयर करते हुए यहाँ पर ट्वीट किया गया। क्या ट्वीट किया गया आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि स्ट्रिंग चैनल हटा दिया गया है, कोई हड़ताल नहीं, कोई उल्लंघन नहीं, कृपया बताएं कि मेरे साथ ऐसा करने के लिए आपने किसके जूते चाटे हैं। आगे लिखा है, यदि आप जल्द से जल्द मेरा चैनल वापस नहीं लाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा। आप ध्यान दें, यूट्यूब एकमात्र ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हैं। ये जो स्टिंग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसी से ट्वीट किया गया है। आप इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी देख सकते हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि ये फैक्ट चेक करते हैं, कई तरह की बातें यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं, रिसर्चर, एनालिसिस, फैक्ट्स, बिग एक्सपोज, लेकिन उसके नाम पर सिर्फ ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। और यही वजह है कि यूट्यूब खुद कह रहा है कि हमने आपको देखा है कि आपका चैनल बार बार जो है हमारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशंस उसमें मिल रहा है, इसलिए हमने आपका चैनल जो है वो डाउन कर दिया है, आपका चैनल बंद कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया पर तो एक्शन हो ही रहा है, लेकिन ऐसे नफरती चैनल जो YouTube पर भी नफरत फैला रहे हैं, YouTube पर बार बार कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर भी अब जो है वो एक्शन होना शुरू हो गया है। और शुरुआत यहाँ पर विनोद से हो गई है, स्ट्रीम चैनल जो है उनका डाउन कर दिया गया है, और उसके बाद किस तरह से वो छटपटा रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। इसे लेकर खबरों में भी इसकी चर्चा है, टाइम्स नाउ का आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख रहे हैं, अंग्रेजी में ही आर्टिकल है, आर्टिकल में वही सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह से इनका चैनल जो है वो बंद कर दिया है, उसको लेकर यूट्यूब ने क्या कहा है, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें लिखा है, विनोद कुमार का स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल हटा दिया गया है। जो स्ट्रिंग चैनल में जो शख्स कॉन्टेंट बनाता था उसका नाम विनोद कुमार है और उसी का वो चैनल है। इसमें आगे लिखा है कि एक यूट्यूब चैनल द्वारा संचालित विनोद कुमार को बार बार उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्हें यूट्यूब के मंच से हटा दिया गया है। कुमार ने यूट्यूब से मिले मेल का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है, जो हमने आपको दिखाया, जिसमें लिखा है कि आपने बार बार कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, इसलिए आपका जो है यूट्यूब चैनल हम बंद कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि जिसके बाद ट्विटर पर शेम ऑन यू यूट्यूब जो है वो ट्रेंड करने लगा है। अब आप यूट्यूब की इस कार्रवाई को लेकर, यूट्यूब ने जिस तरह से इस नफरती चिंटू पर कार्रवाई की है, इसका चैनल बंद कर दिया है, इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।